हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की दिन दहाड़े ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई दोस्तों, और उसका कारण है सैंड माइनिंग, जिसे हम रेत या रेती भी कहते हैं, जिसकी इलीगली माइनिंग हो रही थी। वहां पर डीएसपी ने उस ट्रक को रोकने की कोशिश की और लैंड माफिया ने बेझिझक उन पर जो है ट्रक चढ़ा दिया और उससे कुचल कर उनकी हत्या कर दी दोस्तों। ये देश का क्या हाल हो रहा है दोस्तों, कहाँ है देश का लॉ एंड ऑर्डर? एक जगह पर जहाँ पर देश में गुंडे बदमाश बेझिझक बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं, और देश में शरीफ आदमी डरा हुआ परेशान है, और देश की सरकार देश में बदलाव करने में लगी हुई है। कैसा बदलाव? कभी स्टेट्स के नाम बदल रहे, कभी मस्जिदों को बदल रहे, कभी नोट को बदल रहे, कभी टैक्स को बदल रहे, कभी सिंबल को बदल रहे, और कभी जॉब्स को बदल रहे हैं। बहरहाल, इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों फेयर न्यूज़ आपका चैनल है, फेयर न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फेयर न्यूज़ सच्चाई के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। में कानून व्यवस्था पूर्णतः कानून व्यवस्था की परिस्थिति का जनाजा निकल चुका है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। जिस प्रकार सरेआम एक डीएसपी स्तर के अधिकारी के ऊपर से खनन माफिया वालों ने अपना ट्रक चलाने का काम किया, डंपर चलाने का काम किया, इससे ज़्यादा इसका उदाहरण नहीं हो सकता। हरियाणा में खनन माफिया, शराब माफिया, गैंग्स, बड़े बड़े गिरोह जिस प्रकार से काबिज हो रहे हैं हरियाणा में, वो सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं एक और जानकारी दे दूं, पिछले 10 दिन में हमारे 5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है, और अब एक डीएसपी के को इस तरह से हत्या की गई। कानून बनाने वाले भी सुरक्षित नहीं है, कानून की रक्षा करने वाले भी सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक का हरियाणा में क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जो जिस तरीके से आपने कहा 5 एमएलए को धमकी दी गई, क्या वो 5 एमएलए कांग्रेस के ही हैं? 4 कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, और ये डीजीपी को भी जानकारी है, गृह मंत्री को भी जानकारी है। हमने राज्यपाल से भी मिले, हम स्पीकर से भी मिले हरियाणा विधानसभा की। एक तो हमारे विधायक इतने दबाव में, जान से मारने की धमकी के दबाव में इस्तीफे की तरफ भी उन्होंने कदम बढ़ाए थे, वो तो स्पीकर साहब की आश्वासन के बाद उन्होंने वहां से कदम वापस खींचे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन गई है। हरियाणा अपराधियों के लिए शरण स्थली बन गया है। आप गैंग्स देखें, बड़े बड़े गैंग्स, यहां तक कि पड़ोसी राज्यों में भी हत्या होती है, सिद्धू मूसेवाला की तार सारे हरियाणा के गैंगस्टर से जुड़ते हैं। तो ये खनन माफिया, शराब माफिया, बड़े बड़े गैंग्स जो हरियाणा में है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी आज की कानून व्यवस्था की विफलता की सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की।